दोस्तों बात करने वाले अरकाडे आईपीओ के बारे में। देखिए दोस्तों, अरकाडे आईपीओ के जो अलॉटमेंट थी वो कल हमें देखने को मिली। इन अलॉटमेंट के बाद आप देखोगे कई सारे भाइयों को यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार अलॉटमेंट का कंपटीशन था इस आईपीओ के अंदर। बट सबसे अच्छी बात यह है कि हाल ही के अंदर हमें जेएमपी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी कि दोस्तों जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई आईपीओ मतलब ऐसा नहीं कि हिट होने वाला है, पैसा डबल यहाँ पे नहीं होने वाला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं मैं कि जिन लोगों को आईपीओ भी नहीं मिला, पैसा भी रिफंड आया, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर फैक्ट हमारा ये रहेगा क्या लिस्टिंग के बाद हमें खरीदना चाहिए एंड लिस्टिंग कितने पे हो सकती है, यानी कि दोस्तों लिस्टिंग 200 पे 250 पे कितने प्राइस पे कंपनी की लिस्टिंग स्टॉक के प्राइस की देखने को मिलेगी। लिस्टिंग के बाद हमारे जो स्ट्रेटजी वो क्या रहनी चाहिए वो हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पे जो लेटेस्ट जीएमपी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि जो आईपीओ है उसकी जो अलॉटमेंट डिटेल्स है वो कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे वेबसाइट दी थी आईपीओ जी, जिसके अंदर भाई क्या हुआ रात के 1 बजे तक आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का अलॉटमेंट हमें लेट तक देखने को मिला। लोगों के पास क्रेडिट डेबिट के जो मैसेज है वो सुबह देखने को मिले एंड कहीं भाई वीडियो का फंड अनब्लॉक हो चुका, यानी कि ये फंड अनब्लॉक होने की जो डेट है वो मंडे है। बट आईपीओ अगर नहीं मिलता तो सैटरडे हो चाहे संडे हो, मतलब संडे को नहीं सैटरडे तक यहाँ पे फंड अनब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे जिन लोगों का फंड अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ, पैसा वापस नहीं मिला, मेरे को कमेंट करके बताना। एंड जो लोग लिस्टिंग के बाद खरीदने की स्ट्रेटजी सोच रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पे एक बार मेरे को बताना कि आप खरीदना चाहते हो क्या नहीं खरीदना चाहते हो। देखिए दोस्तों अभी के टाइम अगर हम देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है, 19 तारीख लास्ट डेट ही, 20 को स्टॉक का मतलब आईपीओ का अलॉटमेंट था एंड 21-22 की मार्केट का होलीडे, 23 को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे एंड 24 को ये लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि आईपीओ नहीं मिलेगा सबसे बड़ी वजह अगर देखें तो भाई इसके अंदर आप देखोगे कंपटीशन इतना तगड़ा था कि आप पूछे मत, यानी कि आप देखोगे तो भाई ये जो आपका अरकोडे वाला आईपीओ था भाई ये 50-53 बंदों में से, यानी कि 50 बंदों में से एक कोई मिला, यानी कि आपके आईपीओ मिलने के चांसेस यहाँ पे ओनली फॉर 2% थे, बाकी 98% आपके आईपीओ नहीं मिलने के चांस। तो आप सोच लो आप कितना बड़ा यहाँ पे कितना कंपटीशन था, मतलब 50 में से एक को मिलना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो 49 का तो रिजेक्ट हुआ, 49 में हम ही आ गए यहाँ पे कि भाई हमको नहीं मिला, तो 49 में हम आ गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि क्यूआईबी की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन मिला आईपीओ को वो ज्यादा नहीं है। अगर हम दूसरे आईपीओ के अकॉर्डिंग देखें, जिस प्रकार प्रीमियम एनर्जी का था, बजाज हाउसिंग का था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इतना इसमें नहीं है, बट ठीक है ऑलमोस्ट 172 टाइम्स इन्होंने भी सब्सक्रिप्शन दिया है तो ये भी ठीक ठाक है। बट अब देखिए अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट हमारा ये कि अगर मानते चलो हमें आईपीओ भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आपके रिफंड डेट है वो मंडे को, तो अभी के टाइम जो फंड सर्व लोग हैं वो ना स्टार्ट हो चुके हैं, मेरा खुद का भी हो चुका है, मैंने खुद ने भी अप्लाई किया था, मेरा खुद का हो चुका है। तो यहाँ पे जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, जिनका हो चुका है एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई हमने लगाया था हमारा आईपीओ का जो मतलब फंड है हमें नहीं मिला, जो चाहिए अलॉटमेंट मिला है तो बता सकते हो, अलॉटमेंट नहीं मिला फंड लोगों का तो वो बता देना। तो यहाँ पे अगर मैं अभी के टाइम बता दूँ कि आपको अगर आईपीओ भी नहीं मिला, फंड भी नहीं मिला वापस, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपकी डेट है वो मंडे, यानी कि आप देखोगे आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ जो आपकी रिफंड डेट है वो आपकी 23 तारीख, यानी कि 23 तारीख तक आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 23 तारीख शाम तक दोस्तों आपके अकाउंट में वापस से आपके जो पैसे हैं अनब्लॉक हो जाएंगे, कोई डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ से देखिए ये एक प्रोग्रेस है जिसके अंदर देखिए कई लोगों के अभी से स्टार्ट होने लग गए, कल भी आप देखोगे कई लोगों के हो जाएंगे, जिनके मतलब रुक जाएंगे उनके मंडे को सभी के हो जाएंगे, तो इस प्रकार होने वाला। अब यहाँ पे अगर हम देखें अभी टाइम ग्री मार्केट में जो कि हमें सीधा संकेत करेगा कि लिस्टिंग के बाद हमें क्या करना है, क्या लिस्टिंग के बाद हमें बाई करना है या अब हमें आईपीओ को अवॉइड कर देना, क्योंकि हमें नहीं मिला बात खत्म, पैसा नहीं लगाएंगे। देखिए कल क्या हुआ, कल मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी थी, पहले देखोगे तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो हमें ऑलमोस्ट 46 का देखने को मिला, गिर चुका था जो कि पहले अगर देखोगे तो 66% का था, बट जैसे मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी आई तो आपका जो आईपीओ का जीएमपी है वो भी हमें गिरता हुआ देखने को मिला, उसके साथ गिर के ऑलमोस्ट 45% तक हमें देखने को मिला। यहां से अगेन रिवर्सल करके भी टाइम 50% का जीएमपी बता रहा है, यानी कि दोस्तों आपको प्रति लोट 50% का रिटर्न यहां पे मिल सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। बट जहां तक मैं बता दूं तो इसकी जो लिस्टिंग है 40% प्लस एट 60% के नीचे, इस बीच इस आईपीओ को आपको गेन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका पैसा ओनली इतना ही बनेगा प्रति लोट आपको या तो 40% के आगे एंड 60% के नीचे, इतना आपको यहाँ पे क्या मिलेगा लिस्टिंग गेन। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आईपीओ नहीं लगा है, अब ज़्यादा ऐसे मत करना, लालच मत करना, आईपीओ नहीं लगा, आप बोलो कि भाई आईपीओ लगने के बाद मैं तो खरीद लूँगा, तो ऐसा अगर आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हो, आईपीओ जैसे खुलता है वोलेटिलिटी आती है वहाँ पे डेफिनेटली खरीद सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आईपीओ अगर भाग चुका 20% आ गया ऊपर आप फिर भी खरीद लो, ये गलती आपको नहीं करना है। एंड जहाँ तक बता दूँ मैं आईपीओ खुलने के बाद मैंने ये कहाँ पे जाए हमें अवॉइड करना है, ठीक है, टोटली सीधा हमारा फंडा यही है आईपीओ मिला ठीक है, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट आईपीओ और बेटर आ रहे हैं ना भाई, आप इसमें ही पैसा लगा के अगर मान के चलो अगर इसकी लिस्टिंग बाई चांस मान के चलो कि 128 पे तो आपको मिल रहा है, मतलब आईपीओ के अंदर आप यहाँ पे अगर हम दो मतलब जो भी इसका लिस्टिंग है वो जोड़ के अगर देखें तो लगभग इसका प्राइस जो 200 रुपये बैठ जाएगा, तो अब हम 200 के आसपास इसको खरीदेंगे, इससे बेटर तो हम जो नया आईपीओ आएंगे मार्केट में वहाँ पे पैसे लगाएंगे ना भाई, हम इसमें क्यों ट्राई करेंगे, क्योंकि इससे बेटर आईपीओ वो रहा मार्केट में आगे नेक्स्ट आने वाले, तो आपको ये स्ट्रेटजी रखना ना कि आईपीओ नहीं मिला तो आप बोलो कि भाई मैं तो अब और खरीद लूँगा, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी आपके लिए मेरे लिहाज से गलत रहेगी, ये आपको नहीं करना है, आपको जो पैसा मिल चुका है उसको बचा के रखना, नेक्स्ट जो आईपीओ आएगा हम उसमें अप्लाई करेंगे। एंड अच्छे अच्छे आईपीओ जो भी आते हैं मैं आपको आईपीओ बताता रहता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को बिल्कुल ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड अभी ये टाइम देखिए यही है कि अब जो आपकी जो मतलब इसका रजिस्टर था वो आप देख सकते हो बिग शेयर था, जिसका काम बहुत ढीला है, बहुत कमजोर है, जिसका अगर कहें सीधा तो कह सकते हैं कि काम थोड़ा इसका वीक है, तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे इसका जो यहाँ पे अलॉटमेंट था वो हमें लेट तक देखने को मिला। एंड जो आपका दूसरा नॉर्थन वाला था भाई उसका जो मतलब लिंकिन टाइम था तो उसका थोड़ा सा सॉरी कैफिन टिस्ट था तो उसका सही देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इस आईपीओ के अंदर आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई है वो ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। एंड चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आईपीओ आते हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे।